हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो अपडेट है वो ये है कि डीजीएमएस के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं दिसंबर सेशन के लिए, मतलब कि दिसंबर में जो डीजीएमएस का अलग अलग एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल साइट में जाके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट में जाने के बाद जैसे dgms.gov.in में जाएंगे तो यहाँ पे हाईलाइट में आप देखेंगे कि एक स्क्रॉल हो रहा है, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, आपका पीडीएफ है, जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है उसी का पीडीएफ है। ये रिलीज कर दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए जो धनबाद हेडक्वार्टर से जारी किया जाता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, और साथ ही ओरल जो होगा जैसा मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, सबके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो सीएमआर के हिसाब से, यानी कोल वाले। सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो सीएमआर के हिसाब से, यानी कोल वाले। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड हो रेस्ट्रिक्टेड हो मेटल वाले। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड हो रेस्ट्रिक्टेड हो मेटल वाले। इन सबका वैकेंसी या यूं कहें कि सर्टिफिकेट के लिए आपका एग्जामिनेशन का नोटिस निकल चुका है। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो रेस्ट्रिक्टेड हो, सर्वेयर का देना चाहते हैं, सरदार का देना चाहते हैं सीएमआर के हिसाब से, यानी कोलमाइंस रेगुलेशन यानी कोल वाले। साथ ही साथ अगर आप फॉरमेन का, सर्वेयर का, मेट और ब्लास्टर का, मेटल वाले एमएमआर के हिसाब से देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप गैस टेस्टिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए गैस टेस्टिंग का एग्जाम नहीं होता है, जनसो बेसिस मिलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जामिनेशन का नोटिस। ओके, इसके बाद अभी बोल दिया गया है कि जो भी आपका फॉर्म होगा, ठीक है, उसका लास्ट डेट पहले ही दे दिया गया है कि भाई लास्ट डेट जो आपका होने वाला है फॉर्म फिलिंग करने का है ना, अटेस्टेड कॉपीज के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो उसके साथ जो है वो 8 अक्टूबर 2024 को है। हालांकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत पेचीदा है डीजीएमएस का वेबसाइट, और उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो उसके कारण बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस पे अगर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि वीडियो बना दीजिए तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको कहना पड़ेगा। ओके, कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा उस हिसाब से मैं बना दूंगा। ओरल एग्जाम भी होता है जो कि माइट का, मेट का भी होता है, ब्लास्टर का भी होता है, जीटी का भी होता है, वाइंडिंग मैन का भी होता है, वाइंडिंग ऑपरेटर का भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी भेजने होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसके बाद उसका फील्ड एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट है आपको, वो सब आपका इस जगह पे यानी 9 अक्टूबर 2024 से पहले पहुंचना चाहिए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो सेंटर होने वाला है ओरल एग्जाम का, ओरल एग्जाम का सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा, ओरल एग्जाम का सेंटर है। ठीक है, वो आपका होने वाला है धनबाद, रांची, चाईबासा, सीतारामपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, वाराणसी, जबलपुर, ग्वालियर, बंगलुरु, गाजियाबाद एंड गुवाहाटी। ये आपका ओरल एग्जाम का सेंटर रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन का सेंटर आपको पता चल जाएगा, फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो जो डेट ऑफ ओरल एग्जाम है वो भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डेट रिलीज कर दिया गया है, जैसे मेट का यहाँ पे ओरल एग्जाम जो होगा 11 को है, ब्लास्टर का 13 को है, इसी तरह से वाइंडिंग का 11 तारीख को है, वाइंडिंग सेकंड क्लास वाला 13 तारीख को है। ठीक है ना, मेटल वाले में फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों होते हैं। ठीक है, पहले सेकंड क्लास का एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक साल का एक्सपीरियंस लेके फिर फर्स्ट क्लास का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये मेटल वालों का है। कोल वाले का सिर्फ एक सेपरेट होता है कि एक साल का एक्सपीरियंस लीजिए, सीधा वाइंडिंग ड्राइवर इंजन एग्जाम दीजिए। सर्टिफिकेट वाला का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप जीटी वाले हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे ओरल एग्जाम का पूरा डिटेल में लिख दिया गया है, जो भी आप चाहें पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जो एग्जाम होगा आपका, वो ऑनलाइन एग्जाम का भी डेट आपका मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, 9 से 13 दिसंबर तक आपका होने वाला है एग्जामिनेशन, जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो 9 से 13 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड या ऑथराइजेशन लेटर जो मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट डाउनलोड करेंगे, उसमें आपका रिक्वायर्ड जो सेंटर होगा वो लिखा होगा। सेंटर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी वाला का नहीं लिखा होता है। ठीक है, बाकी आपको सेंटर जो होते हैं वो जनरली वही होते हैं जो ओरल एग्जाम के होते हैं, जैसे यहाँ पे जो सेंटर दिया हुआ था तो वही वाला सेंटर जनरली होते हैं, उसी में से कोई सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप चूज करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वहीं पे सेंटर पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बहुत बार, पिछली बार भी बहुत किसी का सेंटर जो भरे थे आपका अहमदाबाद, उनका पड़ा था उदयपुर,
बहुत किसी का ऐसा हुआ था, एक आध सेंटर जो कैंसिल होता है तो उस जगह का सेंटर जो लोकैलिटी पड़ता है वही 400 किलोमीटर के अंदर उसको दे दिया जाता है। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट जाने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है यही वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 9 तारीख से, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कुछ काम की बात है। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे डीजीएमएस एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे कोल इंडिया का एग्जाम हो, चाहे एनएलसी का एग्जाम हो, चाहे नालको हो, चाहे सेल हो, चाहे जीपीसीएल हो, जीएमटीसी हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे ओवरमैन का हो, माइनिंग सरदार हो, साथ ही साथ सेकंड क्लास मैनेजर अगर कोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप डीजीएमएस एग्जाम के लिए, तो ये बैच आपके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि एक फाउंडेशन बैच है जिसमें माइनिंग सरदार ओवरमैन लेवल का सब कुछ पढ़ाया जाता है। सब कुछ का मतलब टेक्निकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कराया जाता है, और नॉन टेक पोर्शन का जो वीडियो लेक्चर होंगे बहुत सारे अच्छे से टीचर के, मैं सेलेक्ट करके उसमें डाल देता हूँ ताकि आपके नॉन टेक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। तो टेक नॉन टेक पूरा मिल जाएगा आपको, इसमें लाइव क्लास भी मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पीछे का पूरा मिल जाएगा, कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। इसके बाद आपको इसी में पीपीटी भी मिलने वाला है, नोट्स भी मिलने वाला है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 6200670155 इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके, तो अगर कोल वाले हैं तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लासेस में जनरली भी क्या क्या मिल रहा है। ये मेरा बैच है, इसमें आपको एक्स्ट्रा टॉपिक एडिट भी मिल जाएगा, ईएमटी ईएमटी यानी एडवांस्ड ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, देखिए तीनों होगा आपका। ये वॉल्यूम 2 है एडिट टॉपिक्स के साथ, यानी कि वॉल्यूम 2 में बहुत सारा चीज ऐसा है जो ईएमटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन मेरे को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ ईएमटी करने से नहीं चलता है। ईएमटी वॉल्यूम 1 का इसमें लेक्चर है, ईएमटी वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, ईएमटी वॉल्यूम 3 का भी मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्द। ओके, सीएमआर का 2017 का अपडेटेड है, जिसमें एक फोल्डर खोल के आपको दिखाता हूँ। सीएमआर जैसा है, कोल माइंस रेगुलेशन है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका स्टार्टिंग से मिल जाएगा वीडियो लेक्चर जैसे सीएमआर का स्टार्टिंग से लेके, लेकिन इसमें सर्कुलर अपडेटेड है। यहाँ पे जो अपडेटेड सर्कुलर, देखिए अपडेटेड सर्कुलर भी आपको मिल जाएगा, मतलब सीएमआर अगर आप करेंगे तो लेजिस्लेशन वाला जो सीएमआर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर के साथ, पूरा वीडियो लेक्चर इसमें डाला हुआ है। ठीक है, जनरल सेफ्टी से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, A to Z पोर्शन जो है 3-4 घंटे का, ये पूरा मिल जाएगा, मतलब पूरा A to Z आपको सीएमआर मिल जाएगा इसी में। इसके बाद आपको माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पिथेड बाथ रूल, MBTR देखेंगे आप, पूरा आपको अपडेटेड मिल जाने वाला है। कुछ कुछ पोर्शन जो छूटा वो धीरे धीरे अभी पढ़ा रही हूँ। नॉन टेक का भी पोर्शन मिल जाएगा, इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपको अलग से कहीं जाना ना पड़े। डीजीएमएस वालों को तो नॉन टेक नहीं रहता, तो डीजीएमएस वाले का भी पूरा पोर्शन का ध्यान रखा गया है। डीजीएमएस वाले अपना सेपरेट फोल्डर खोले, मैं सिलेबस भी आपको डिटेल में बता दूंगा डीजीएमएस वाले जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। तो आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात मेटल वालों का, जैसे फॉरमैन सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है किसी को, या माइन मेट का देना है, या ब्लास्टर का देना है, या सेकेंड क्लास मैनेजर मेटल का देना है, तो मेटल वाले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। ठीक है, 6200670155 अगर आप क्लासेस करना चाहते, क्योंकि इसका बैच मेरे पास अभी ऑलरेडी है नहीं, बट इसके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ और मैं समय निकाल के मेटल का पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे कि सर कोल और मेटल आप दोनों कैसे पढ़ा सकते हैं, दोनों तो अलग अलग फील्ड है। तो देखो ऐसा है कि कोल का भी वैकेंसी मैंने निकाला है NCL, और मेटल का जो सबसे बेस्ट कंपनी होता है मॉल, इसका भी एग्जाम मैं दिया हूँ, भगवान की दया से ये भी मैं क्वालिफाई किया हूँ, और माइन फॉर्मेट में क्वालिफाई किया हूँ। तो और इसमें भी अगर है तो MS माइनिंग सरदार जो सबसे ज्यादा डिमांडेड होता है। तो कुल मिला करके ऐसा है कि मेटल सेक्टर में भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे तैयारी करनी पड़ी। मैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम था मॉइल का, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, उसको फाइट करना पड़ा, निकालना पड़ा। तो कुल मिलाकर के यही कि मेटल का भी थोड़ा बहुत जानकारी मैं अर्जित किया हूँ, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेटल का, आप अगर क्लासेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा सर, उस हिसाब से मैं टाइम निकालूंगा। 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइएगा, सर मैं माइंड फॉर्मेट का, माइंड मेट का, ब्लास्टर का, सेकंड क्लास मेटल का क्लासेस करना चाहता हूँ, आप मैसेज कीजिएगा, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ। चलिए, आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जो भी क्वारी है वो कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।